कहीं भी ये मुसलमानी दाढ़ी देखे, बिना मूछों की मुसलमानी दाढ़ी, इससे सावधान रहिए, ये कोरोना बम हो सकता है। तबलीगी जमात के मरकज में आए हजारों जमातियों के देश में फैल जाने और कोरोना मरीजों की संख्या में हुए इजाफे को एक साजिश बताते हुए योगी सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि जहां पूरा देश रामनवमी घरों में मना रहा है, वहीं कुछ मुसलमान मस्जिदों और घरों की छतों पर सामूहिक नमाज पढ़ रहे हैं। राज्य मंत्री ने तबलीगी जमात के लोगों को आतंकवादी तालिबानी करार देते हुए उन्हें कोरोना बम बता डाला। आनंद स्वरूप शुक्ला ने लोगों से अपील की है कि जो भी मुसलमान दाढ़ी बिना मूछों के दिखे उसे सावधान रहिएगा। जमातियों को आत्मघाती दस्ता बताते हुए कहा कि देश में कोरोना संक्रमण फैलाने की ये सोची समझी साजिश है, इसलिए यूपी सरकार ने 500 से ज्यादा जमातियों को खोज निकाला। कोरोना के खिलाफ लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर थूकने और पथराव जैसी घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास की मस्जिदों और मदरसों के बारे में पुलिस को जानकारी दे, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। नमस्कार, आप सभी को प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना संकट के इस कठिन दौर में आप सभी ने लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए अपने घरों में ही श्री राम नवमी का पर्व मनाया, हवन पूजन कर वातावरण को वैज्ञानिक रूप से शुद्ध किया। किंतु एक ऐसा समाज जो साजिश के तहत, जो जानबूझ करके कोरोना संक्रमण को पूरे देश में फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है, तबलीगी जमात के लोग जिनके दिल्ली मरकज में हजारों लोग इकट्ठा हुए, सैकड़ों जिनमें विदेशी थे, 2346 लोग 28 मार्च के बाद मरकज से निकाले गए, उनमें से सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, पूरे देश में फैल गए हैं और साजिश के तहत ये पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण को फैलाने के लिए ये जिहादी, ये कोरोना बम, ये तालिबानी, ये अलकायदा की एजेंट, ये आत्मघाती दस्ता बनकर के ये पूरे देश में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ये पकड़े जा रहे हैं, 569 से ज्यादा पकड़े गए, 2018 से ज्यादा विदेशी, ये अपने मस्जिदों में मदरसों में विदेशियों को छुपाए हुए हैं। मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूंगा, जहां कहीं भी ये मुसलमानी दाढ़ी देखे, बिना मूछों की मुसलमानी दाढ़ी, इससे सावधान रहिए, ये कोरोना बम हो सकता है। और अपने आसपास के मस्जिदों मदरसों के बारे में पुलिस को सूचना करिए, पुलिस हर मस्जिद और मदरसे को छान रही है, कोई छुप के रह नहीं पाए, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, आप सूचना दीजिए, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और आप यह भी देखिए इनकी हिमाकत कि जहां पुलिस टीम जा रही है मरकज से भागने वालों को पकड़ने के लिए, उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए, उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, पुलिस प्रशासन कड़ा जवाब उनको देगा। और किसी भी कीमत पर हम इनके नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। और जो उनका मौलाना साद जो बोलता है कि मुसलमानों को तितर बितर करने के लिए मस्जिदों में इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, ये मानसिकता, ये सोच हिंदुस्तान विरोधी है। और बंधुओं, मैं आप सभी को यह भी अवगत कराना चाहता हूं, इतने कड़े दिशा निर्देशों के बावजूद भी जिस नोएडा में रोज 2-4 नए केस आ रहे हैं, वहां आज हम लोग अपने घरों में रामनवमी मना रहे हैं, कोई मेला उत्सव नहीं कर रहे हैं, कोई अयोध्या भी नहीं गया दर्शन करने के लिए, लेकिन ये नोएडा में आज एक साथ 25 से अधिक लोग एकत्र होकर के नमाज पढ़ रहे थे, पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये देश के कानून को नहीं मानना चाहते हैं और ये सभी कोरोना बम बनकर के देश को तबाह करना चाहते हैं। आप सभी सजग रहिए, इनके खिलाफ एकजुट होकर के पुलिस को सूचनाएं दीजिए। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।